वैरव करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन की। इसके बावजूद भारत में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 5,000 के पार हो गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस जंग में फतेह हासिल करते हुए दिखाई दे रहा है। प्रदेश में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, जिसमें से 9 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वॉर रूम का जायजा लेने के लिए पहुंचे सांसद सुनील सोनी ने स्वराज एक्सप्रेस में सत्या राजपूत जो हमारे संवाददाताओं से बातचीत की और सांसद ने राज्य के निगरानी सिस्टम की जमकर तारीफ की। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरोना कंट्रोल सेंटर में, जहां सांसद सुनील सोनी यहां जायजा लेने पहुंचे हैं। उनसे सीधा हम जानते हैं कि किस तरह से उनको यहां देखने को मिला, क्या अनुभव रहा, क्या क्या यहां पे व्यवस्था की गई है, किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। देखिए, एक अभूतपूर्व सेंटर है। अब कल्पनी है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम से लेके पूरा जो पूरे शहर के अंदर में जो कोरोना के संदर्भ में जितनी आवश्यकताएं हैं, कोई फोन करता है भोजन की जरूरत है, ये जरूरत है, ये सारी जरूरतें जो है एक आधुनिक सिस्टम के माध्यम से लोगों तक के पहुंच रही है। कहा जाता है कि यहाँ क्वारंटाइन लोगों पर भी नजर रखा जा रहा है, तो कैसे रख रहे हैं नजर? देखिए, कैमरे के माध्यम से पूरे शहर को इन्होंने कवर करके रखा है। और आज मैं तो समझता था कि मैंने इंदौर गया हूँ अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में, वहां से मुंबई गया, पुरी गया, भुवनेश्वर गया, कलकत्ता गया, मुझको अभी तक के भुवनेश्वर का अच्छा लग रहा था, लेकिन भुवनेश्वर से 10 गुना अच्छा ये अपने रायपुर का है। यहाँ पे टेक्निकल पर्सन भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरह से संचालन हो रहा है, यहाँ कितने शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है लोगों की और कितने कैमरे से आप लोग निगरानी रखते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो भी बैठे होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई जंक्शन पे अगर ज्यादा भीड़ हो तो वो उस कैमरे से उसको जूम करके देखते हैं। पैरेलली उसके साथ वहाँ पे हम लोग का एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो उसमें बोलते हैं कि आप अगर चार लोग पास में तो बोलते हैं कि नहीं, आप दूर दूर रहिए। तो ये जिला प्रशासन ने जितने भी नंबर जारी किए हैं तो उसके हेल्प करने के लिए कितने दिन में कॉल आ रहे हैं आप लोग के पास, कैसे आप लोगों तक पहुँच रहे हैं? हम लोग पास डेली अगर आप बोले तो कॉल सेंटर में मोस्ट 200 प्लस कॉल्स आ रहे हैं। ज्यादातर कॉल्स आपके कोरोना सेंटर से भी रहते हैं कि हमको टेस्टिंग कहाँ करवाना है, कुछ मेरे को ऐसा फील हो रहा है, तो उसके अलावा फिर भी हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमको खाना चाहिए, तो इस टाइप के कॉल हम लोग को 200 प्लस कॉल्स आ रहे हैं डेली, 400 प्लस कॉल्स आ रहे हैं। तो इस तरह लगातार यहाँ व्यवस्थाएं बनी हुई है। और कोरोना कंट्रोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10 मरीज आए थे, जिसमें से 9 मरीज अब तक ठीक हो गए हैं। वहीं देश की बात करें तो देश में लगातार संक्रमण बढ़ती जा रही है और 5,000 से ज्यादा देश में हमारे मरीज हैं। इस स्थिति में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में राहत भरी ये खबर है कि 9 मरीज ठीक हो गए हैं और एक, और कई दिनों से यहाँ पे मरीज जो आ रहे थे सामने वो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह कंट्रोल की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोल के उसमें महती भूमिका है। कैमरा मैन रेखराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।